आई आज हम लोग फिजिक्स नीट अनसाल पेपर में 41 क्वेश्चन नंबर की स्टडी करेंगे। चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट है। तो देखिए, कह रहा है कि ये करंट कंटेन्स एन अमीटर, ए सर्किट कंटेन्स एन अमीटर, ए बैटरी ऑफ 30 वोल्ट एंड ए रेजिस्टेंस 40.8 ओम ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमसे कह रहा है कि एक सर्किट है, उसमें अमीटर, बैटरी और रेजिस्टेंस तीन चीज़ें लगी हैं। तो बैटरी का वोल्टेज 30 वोल्ट है और जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 40.8 ओम का है। इन सब को सीरीज यानी श्रेणी क्रम में लगाया गया है। कह रहा है इफ़ द अमीटर हैज ए कॉयल ऑफ रेजिस्टेंस 480 ओम एंड ए शंट ऑफ 20 ओम्स। कह रहा है कि अगर जो अमीटर हम लोगों ने यूज किया है, इसमें अमीटर जो कि करंट नापता है, तो कह रहा है कि उसकी कॉयल का अगर रेजिस्टेंस 480 ओम है और इसमें एक संट लगा हुआ है जो 20 ओम का है। अभी संट के बारे में हम लोग समझते हैं। तो कह रहा है द रीडिंग इन द अमीटर विल बी, तो अमीटर की रीडिंग क्या होगी? ये जो संट है 20 ओम का, तो संट इसलिए लगाया जाता है कि करंट को रेगुलेट कर सके, करंट को इस स्थिति में बनाए रखे ताकि जितनी करंट की ज़रूरत है उतना ही आगे जाए, ज़्यादा कम हो तो वो संट जल कर नष्ट हो जाए। तो ये देखिए पैरेलल में लगाया जाता है ताकि अमीटर के निर्माण में, करंट के रेगुलेशन में हेल्प कर सके। बाकी संट के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जो नई वाली बुक आई है, तो ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए पूरा सर्किट बना दिया गया है कि इसमें एक अमीटर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 480 ओम है और संट जो लगा है वो 20 ओम है। तो जब संट की बात करेगा अमीटर के साथ तो ये पैरेलल में लगेगा, यानी समांतर में लगेगा। तो क्या आप देखिए लगा दिया, तो ये दोनों समांतर यानी पैरेलल में है और ये सीरीज में। तो हमसे पूछ रहा है कि कितनी करंट जाएगी सर्किट में। तो सीधी सी बात है, इसको निकालना बहुत आसान है। पैरेलल में ये रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो सीरीज में रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, वोल्टेज दिया है V इक्वल टू आई आर फार्मूला लगा देंगे तो आई हमारा पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाला, तो इन दोनों को एक साथ निकाला है। आप चाहेंगे तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 480 और 20 ये पैरेलल में है, तो 480 गुणे 20 बटे 480 प्लस 20, तो ये आ गया 19.2। 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 करेंगे तो सेम यही चीज़ निकल के आ जाएगी। और कह रहा है हमने ये फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि 480 और 20 ओम के जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए हमारा फार्मूला है। अब ये जो 40.8 ओम है सीरीज में है, तो इसके साथ सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो कह रहा है कि एस अमीटर इन सीरीज विद 40.8 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा? ये सीधा सीधा जुड़ेगा क्योंकि ये पूरा टोटल जो आया और ये सीरीज में, तो 40.8 ओम प्लस RA, और RA की वैल्यू हमने 19.2 ओम निकाली है, जुड़ गया तो आ गया 60 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ गया 60 ओम। अब V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू V अपान R हो जाएगा, तो V हमारा 30 वोल्ट है, R हमने 60 ओम निकाला है, सॉल्व किया तो आ गया 0.5 एम्पियर। तो इस प्रकार से 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है ए बी एंड सी आर वोल्ट मीटर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो ए बी और सी जो है ये एक वोल्ट मीटर है, उसके रेजिस्टेंस है 3
जिसमें कि ये कि ए का प्रतिरोध आर है, बी का 1.5 R है और सी का 3 R है। ये वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस हैं, मतलब 3 वोल्ट मीटर हैं तो तीनों के अलग अलग रेजिस्टेंस को ए, बी और सी माना है, तो वो रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है एज शोन इन द फिगर, जैसा कि कह रहा है कि हमने इस फिगर में नीचे वाले में दिखाया है। कह रहा है व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई छोर हैं इन पे, कह रहा है कि जब हम कोई विभवांतर अप्लाई करते हैं तो कह रहा है कि द वोल्ट मीटर रीडिंग आर वी ए वी बी वी सी रेस्पेक्टिवली, तो कह रहा है कि जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो ए बी और सी तीनों वोल्ट मीटर की क्या क्या होगी, ये नीचे विकल्प दिए गए हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ए बी सी तीन विकल्प, तीन वोल्ट मीटर हैं, दो बी और सी को पैरेलल में जोड़ा गया है, ए को सीरीज में जोड़ा गया है और इनके रेजिस्टेंस बता दिए गए हैं कि ए का आर है, बी का 1.5 R है, सी का 3 R है। अब यहाँ पर कोई बैटरी जोड़ दी जाती है तो कह रहा है कि तीनों वोल्ट मीटर में पोटेंशियल क्या होगा ये हमको बताना है, हमारा क्वेश्चन ये है। तो इसको देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर द सर्किट फ्लोइंग इन द डिफरेंट ब्रांच ऑफ द सर्किट, द करंट फ्लोइंग इन द डिफरेंट ब्रांच ऑफ द सर्किट इज इंडिकेटेड इन द फिगर, तो ये जो नीचे फिगर देखे बनाया गया है इसमें सारी चीजें जैसा हमने पहले पढ़ा है वैसा यहाँ बताया जा रहा है। तो हमारा फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट सारी ब्रांच में जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ से करंट I चली तो इसका 1.5 ओम 1.5 R था रेजिस्टेंस और इसका 3 R है, तो जाहिर सी बात है कि V अपान R है, तो जाहिर सी बात है कि V अपान जब R करेंगे तो V अपान R हमारा 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, 3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 V हो जाएगा I की वैल्यू। अब इसमें चूंकि ये B और C हमारे समांतर हैं तो समांतर यानी पैरेलल क्रम में हमने आपको बताया था कि वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट रहती है और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो हम वोल्टेज की बात करेंगे। तो V इक्वल टू आई आर होता है तो I इंटू आर 3/2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 I/2। तो हमने वोल्टेज की बात क्यों की, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है वो पैरेलल में सेम रहता है। तो हमने आपसे बताया था कि कोई भी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई चीज ऐसी हो जो कांस्टेंट हो तो उसके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो चूंकि वोल्टेज कांस्टेंट है इसलिए वोल्टेज कांस्टेंट वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ए के लिए पहले यूज किया तो वी ए इक्वल टू आई आर फार्मूला होता है, तो अगर ए की बात करेंगे तो आई करंट जा रही है और इसका रेजिस्टेंस आर है तो ये आई आर हो जाएगा। बी की बात करेंगे तो वी बी इक्वल टू 2 I/3 हो गया वोल्टेज, ये अभी हमने निकाला वोल्टेज, और रेजिस्टेंस हमारा 3/2 है ही। जब ये V बराबर आई आर करेंगे आई आर, तो इसमें कितनी करंट जा रही है 2 I/3 ये हमने निकाला है, अरे ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज हमारा यहाँ पर करंट देखिए ये निकाला है 2/3 I = V/R किया है तो 2/3 I ये करंट हमारी निकल के आई है, तो 2/3 I × R की वैल्यू ये दी है 3/2 R। तो ये सॉल्व करने पर 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया तो आ गया I R, I R हमारा आ गया।
तो इसलिए यहां पर आई आर हमने लिखा है। अब देखिए वीसी की बात करें तो वीसी इक्वल टू फिर वी इक्वल टू आई आर होता है, तो इसमें आई कितना जाएगी, आई बाई थ्री, आई इक्वल टू वी अपान आर होता है, तो वी हमारा वी ही रहेगा और आर थ्री आर है तो थ्री आर करेंगे, तो कुल मिला करके ये वी आर उतना ही लिख देंगे पहले का, तो यानी कहने का मतलब आई बराबर आई बाई थ्री होगा, तो इसलिए आई बाई थ्री कर दिया इंटू आर हमारा थ्री आर है, ये किया तो आ गया आई आर, ठीक ना। तो ये देखिए आई आर हो गया, ये भी आई आर हो गया, ये भी आई आर हो गया, और वी इक्वल टू आई आर होता है तो सब में आई आर आई आर आई आर है, इसका मतलब ए बी और सी तीनों का पोटेंशियल सेम है, तो इसलिए वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी हो जाएगा, तो इस हिसाब से हमारा 42 का सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है टू राड्स आर ज्वाइंट एंड टू एंड, दो राड है देखिए फिगर में दिखाया गया, इनको किनारे इनके जोड़ दिए गए हैं आपस में आई सोन जैसा दिखाया जा रहा है, कह रहा है बोथ हैव ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इनके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हैं ये 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी ए की वैल्यू दी गई, कह रहा है ईच इज 1 मीटर लॉन्ग, प्रत्येक 1 मीटर लंबा है, मतलब ये राड कॉपर की और लोहे की 1 मीटर लंबी है, कह रहा है वन राड इज आप कॉपर विद रेजिस्टिविटी आप 1.7 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए सेंटीमीटर, तो कहने का मतलब ये है कि इनमें से जो कॉपर की राड है उसकी रेजिस्टिविटी दे दिया है 1.7 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है कि दोनों अलग अलग मटेरियल हैं, हमने पढ़ा है रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है, तो दोनों मटेरियल अलग अलग हैं तो रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.7 × 10⁻⁶ ओम इंटू सेंटीमीटर है, दादर इज द इज ऑफ आयरन विद रेजिस्टिविटी ऑफ 10⁻⁴ ओम सेंटीमीटर, और जो दूसरी राड है वो आयरन की है और आयरन की राड की रेजिस्टिविटी 10⁻⁵ ओम सेंटीमीटर है, कह रहा हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द राड, कह रहा है अगर हमको 1 एम्पियर की करंट इसमें प्रोड्यूस करना है तो कितना वोल्टेज यहाँ पर बैटरी लगा के लगाना पड़ेगा, तो 1 एम्पियर की करंट इसमें भेजना है, तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ही आसान है पर जैसे बताए हैं अगर वैसे आप करते चले जाएंगे तो सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकलेंगे। तो देखिए कह रहा है कि हेंस लेंथ ऑफ ईच राड, प्रत्येक जो राड है उसकी लंबाई 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच राड, एरिया हमको दे दिया है क्वेश्चन में 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया 0.01 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, रेजिस्टिविटी कापर की तो रो कापर लिख दिया है, तो ये हो गया 1.7 × 10⁻⁶ ओम मीटर ओम सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 10⁻²² का गुणा हो जाएगा, तो ये आ गया 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी आप आयरन की राड की बात करेंगे तो रो एफ इक्वल टू 10⁻⁵ ओम सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 10⁻²² का गुणा हो जाएगा, तो आ गया 10⁻⁷ ओम मीटर। अब देखिए जब हम करंट की बात कर रहे हैं कि सर्किट में कितना करंट होगा तो फार्मूला हमारा होता है V इक्वल टू आई आर, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएं, तो V इक्वल टू आई आर होता है तो I इक्वल टू V अपान R हो जाएगा, तो हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस की जरूरत है अगर हमें करंट निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा फार्मूला लगाना पड़ेगा जहां पर करंट और वोल्टेज हो, करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस हो, तो देखिए रेजिस्टेंस वाला ये फार्मूला लगा दिया R बराबर रो L अपान A होता है,
कापर के लिए अगर लगाएंगे तो आर सी यू लिख दिया, रो सी यू इंटू एल अपान ए हो गया। इसी प्रकार आयरन की राड के लिए आर एफ ई इक्वल टू रो एफ ई एल अपान ए हो जाएगा। अब देखिए कापर और एफ ई की राड सीरीज में जुड़ी हुई है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस निकालेंगे ताकि पूरा रेजिस्टेंस निकल आए टोटल, तो यहाँ पे रखेंगे तो आई निकल आएगा क्योंकि वी हमको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस टोटल निकाला गया क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, तो आर बराबर आर सी यू प्लस आर एफ ई हो जाएगा क्योंकि सीरीज में फार्मूला ही होता है आर बराबर आर वन प्लस आर टू, तो आर बराबर आर सी यू प्लस आर एफ ई। अब आर सी यू हमारा ये है, आर एफ ई बराबर ये है, तो यहाँ पे रखा गया तो रो सी यू एल एल अपान ए प्लस रो एफ ई एल अपान ए, तो एल अपान ए कॉमन आ गया तो रो सी यू प्लस रो एफ ई हमारा ब्रैकेट में चला गया। अब वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 एम्पियर करंट इन द राड इज, वोल्टेज नहीं करंट दिया है हमको, वोल्टेज बताना है कि कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा 1 एम्पियर की करंट के प्रवाहित होने के लिए। तो यहाँ पर V बराबर आई आर लगा दिया, तो ये जो है हमारा आ गया I, हमारा 1 एम्पियर क्वेश्चन में दिया है, R बराबर ये हो गया आर सी यू प्लस आर एफ ई, तो ये वैल्यू उठा के रखा तो रो सी यू प्लस रो एफ ई एल अपाने हो जाएगा। वन को नहीं लिखा गया क्योंकि ना लिखने पर भी हम वन मानते हैं, तो 1.7 × 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷ ये रेजिस्टिविटी है कापर और एफ ई की। अब ब्रैकेट में एल अपान ए, तो एल और ए समान है इनकी लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एल हमारा वन है, एल हमारा वन है और ए हमारा 0.01 × 10⁻⁴ हमने निकाला है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ये रखा तो हमारा आंसर आया 1.17 × 10⁻¹ वोल्ट, या इसको 0.117 वोल्ट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 43 का डी विकल्प करेक्ट हो गया। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 12 सेंटीमीटर वायर इज गिवेन एज ए शेप ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हैविंग साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि जो हमारे पास त्रिभुज होगा उसमें एक कोण 90 डिग्री होगा, एक कोण 90 डिग्री होगा, उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी भुजाएं दे दी है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। कह रहा है द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड आर मेजर्ड 1/1 बाई ए मल्टीमीटर। तो एक मल्टीमीटर के द्वारा ए बी बी सी और ए सी तीनों ये जो लंबाइयां हैं इनका रेजिस्टेंस नापा गया है। तो कह रहा है द रेजिस्टेंस विल बी इन द रेशियो, तो किस अनुपात में इनका प्रतिरोध निकल करके आए गए हमको बताना है। तो कुछ नहीं, सीधी सीधी बात है, रेजिस्टेंस जोड़ के जिस भी कह रहा है कि टू इंड के बीच में रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे एक तार जोड़ देंगे कि यहाँ पे और इसी पे बैटरी लगा देंगे, तो जो भी होगा तो इनमें ये दोनों सीरीज में और इन दोनों के फिर ये पैरेलल में हो जाएगा। अगर हम यहाँ से जोड़ देंगे बैटरी एक ये और एक ये सिरे से, तो ये दोनों ए बी और ए सी सीरीज में हो जाएंगी और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके पैरेलल में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसको देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है लेट रो एंड ए बी रेस्पेक्टिवली एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द वायर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है हम ये मानते हैं कि रो जो है रेजिस्टिविटी है और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो तीनों राड लगाई गई हैं। अब तीनों राड जो लगाई गई हैं एक ही अगर मेटल की हैं तो सबके लिए रो सेम होगा और ए सेम कह ही रहा है क्वेश्चन में। तो कह रहा है द वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल एज शोन इन द फिगर। तो कुल मिला के
तो देखिए एक ही वायर है उसको बेंट कर दिया गया है, यानी मोड़ दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल के फार्म में, समकोण त्रिभुज के फार्म में। तो रेजिस्टेंस ऑफ साइड ए बी इज आर ए, आर बराबर, तो आर बराबर रो एल अपान ए होता है। तो यहाँ पर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर का वायर है, तो ये वायर की लंबाई है, तो इसको उसी हिसाब से हम लोग जब रो एल अपान ए फार्मूला लगाएंगे तो इसको लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आर बराबर रो एल अपान ए, तो ए बी की देखें तो एल हमारी 3 है, तो 3 रख दिया और रो अपान ए हो गया। इसी प्रकार बी सी में लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो 4 रो अपान ए हो गया। ए सी में 5 सेंटीमीटर लंबाई है, तो 5 रो अपान ए हो गया, क्योंकि हमारा फार्मूला ही होता है आर बराबर रो एल अपान ए, तो एल की जगह ये 3, 4, 5 रखते चला गया, तो रो अपान ए बचे हैं। और चूंकि राड एक ही मटेरियल की है तो रो सेम रहेगा। तो द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड ए एंड बी, अब ए और बी की बात करें तो ये ए सी और बी सी हमारा, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे लगे होते और यहाँ पे बैटरी जोड़ी जाती तो ये दोनों सीरीज में हो जाते, क्योंकि यहाँ से करंट अगर आती तो बढ़ती नहीं, इससे भी निकल के जाती, तो इसमें दोनों में करंट सेम रहती, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके पैरेलल में यानी समांतर में होगा। तो इसी प्रकार से निकाला है आर ए बी इक्वल टू, इसने डायरेक्ट कर दिया है, तो अगर पैरेलल में निकालना हो तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ये फार्मूला होता है। तो देखिए इसने डायरेक्ट कर दिया है कि अगर इसको ए बी वाले को R1 माना जाए, इसको R2 माना जाए, इसको R3 माना जाए, तो R3 और R2 हमारे सीरीज में है, तो R3 और R2 को डायरेक्ट जोड़ दिया R2 प्लस R3, क्योंकि सीरीज में फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2, तो ये डायरेक्ट जोड़ दिया। और ये जो ये है इसके पैरेलल में होगा, तो पैरेलल में R1 R2 फार्मूला होता है, तो R1 और ब्रैकेट में टोटल R2 प्लस R3, और नीचे जुड़ जाते हैं तो R1 प्लस ब्रैकेट में R2 प्लस R3 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में। आप देखिए R1 R2 R3 की ये वैल्यू उठा कर रख देंगे, तो रख दिया तो 3 रो अपान ए ब्रैकेट में 4 रो अपान ए प्लस 5 रो अपान ए अपान 3 रो अपान ए प्लस 4 रो अपान ए प्लस 5 रो अपान ए, तो ये सॉल्व करने पे आ गया 27 रो अपान 12 ए। तो इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस निकल करके आ गया इक्विवेलेंट यानी समतुल्य। तो 24 44 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए और आगे है, जो रेजिस्टेंस निकल के आया वो अभी हमने एक उसके लिए निकाला कि अगर इन दोनों के बीच में जोड़ दिया जाए बैटरी को, तो अब इन दोनों के बीच में जोड़ेंगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों के पैरेलल में रहेगा जो इनका रिजल्टेंट आएगा। फिर जब हम इसके इसके बीच में जोड़ेंगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएगा, ऐसे ही करते चले जाना है, और उसी का रेशियो पूछ रहा है। तो कह रहा है द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड बी एंड सी, तो बी और सी में जब करेंगे हम बी सी के बीच में, तो ये R2 R1 और R3 के पैरेलल में हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा R2 ब्रैकेट में R1 प्लस R3 सीरीज में है अपान R2 प्लस R1 प्लस R3। अब ये वैल्यू रखेंगे तो R2 की 4 रो अपान ए है, R1 की 3 रो अपान ए है, R3 की 5 रो अपान ए है, अपान R2 की 4 रो अपान, यही वाली उठा के नीचे रख देंगे तो सॉल्व करेंगे वह आ जाएगा 32/12 रो अपान ए। इसी प्रकार जब ए और सी के बीच में हम बैटरी को जोड़ देंगे, तो ए और सी के बीच में जोड़ेंगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे R1 और R2, R3 हमारा पैरेलल हो जाएगा, तो R3 ब्रैकेट में R1 प्लस R2 अपान R3 प्लस R1 प्लस R2 फार्मूला हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए RAC = R3 ब्रैकेट में R1 प्लस R2 अपान R3 प्लस R1 प्लस R2।
तो ये आ गया 5 रो अपान ए, 3 रो अपान ए प्लस 4 रो अपान ए, ये हो जाएगा। इसके बाद जो है नीचे 5 रो अपान ए प्लस 3 रो अपान ए प्लस 4 रो अपान ए हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 35 रो अपान 12 ए। अब ये देखिए, अगर सबका रेशियो निकाला जाए आर ए बी आर बी सी आर ए सी, तो 27/12 / 32/12 / 35/12 / 35/12। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 12 नीचे सब में है तो रेशियो आ जाएगा 27:32:35। तो इस प्रकार से 44 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए हमारा आगे आ जाता है 45 नंबर क्वेश्चन, तो इसको करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये रिंग इज मेड ऑफ ए वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर जीरो इक्वल टू 12 ओम। तो रिंग ऐसी बनी होती है, इसीलिए आर जीरो भी ऐसे बनता है, तो आर जीरो लिखा है। फाइंड द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट दो चुनना है। कह रहा है शोन इन द फिगर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, एट विच ए करंट कैरिंग कंडक्टर सो शुड बी कनेक्टेड सो दैट द रेजिस्टेंस आर ऑफ द सब सर्किट बिटवीन दीज पॉइंट इज इक्वल टू 8/3 ओम। तो कुल मिलाकर के L1 लंबाई है, L2 लंबाई है, इसके इसमें कुछ प्रतिरोध है, इसमें कुछ प्रतिरोध है, यानी रेजिस्टेंस है। तो ये और ये दोनों पैरेलल में यानी समांतर में है, क्योंकि यहाँ से करंट भेजी जाएगी तो इसमें इसमें बंटवारा होगा। तो इसने पहले से बता दिया कि एक का रेजिस्टेंस R है और दूसरे का 8/3 ओम है। तो हमसे कह रहा है कि ये L1 और L2 का रेशियो क्या है, तो वही R बराबर रो L अपान A फार्मूला लगा देंगे तो L1 L2 का रेशियो निकल करके आ जाएगा। तो यहां पर देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट एक्स बी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। अगर हम ये मान लें कि एक्स रेजिस्टेंस है पर यूनिट लंबाई का, यानी प्रति मीटर कह सकते हैं या प्रति सेंटीमीटर, जो भी कहें कह सकते हैं। तो पर यूनिट की लंबाई का अगर लेंथ का रेजिस्टेंस एक्स है तो हम लोग कैसे इसको करेंगे। तो देखिए, जब पर यूनिट लंबाई का रेजिस्टेंस एक्स होगा तो टोटल लंबाई का कितना होगा। तो अगर पहले वाले वायर पर देखा जाए तो अगर उसकी लंबाई L1 है और पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस एक्स है तो पूरी लंबाई का कितना हो जाएगा, एक्स इंटू L1। पर यूनिट लंबाई या पूरे की निकालना है तो आंसर ज्यादा आएगा। ज्यादा कब आएगा, जब गुणा होगा। तो R1 = X L1 हो गया। द रेजिस्टेंस ऑफ द लोअर पोर्सन इज, अगर नीचे वाला जो पोर्सन रिंग में था छल्ले में, उसको अगर हम R2 रेजिस्टेंस मानते हैं तो वो हो जाएगा XL2, क्योंकि पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस X है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज, अब चूंकि R1 और R2 हमारे पैरेलल में है, समांतर में है, जैसा हमने रिंग में देखा है, तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है R = R1 R2/R1+R2। ये देखिए फार्मूला हमारा वही रहता है, 1/R = 1/R1+1/R2। इसी को जब सिंपल करेंगे तब ये आ जाता है R1 R2/R1+R2, ये निकल के आ जाता है। तो ये वही चीज है, कोई अंतर नहीं है, इसमें कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं। तो R1 R2/R1+R2 आ गया, R1 की वैल्यू XL1 है, R2 की वैल्यू XL2 है, यहाँ पर रख दिया। जब रख दिया और सॉल्व किया और टोटल रेजिस्टेंस, हाँ देखिए नीचे वाले वायर का नहीं, टोटल रेजिस्टेंस हमको कुछ है, वो रेजिस्टेंस ये पूरा टोटल रेजिस्टेंस है 8/3। कह रहा है बिटवीन ए और बी पॉइंट के बिटवीन जो रेजिस्टेंस है वो पूरा 8/3 है। ये चीज ध्यान देना है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। तो यहाँ पर देखे टोटल रेजिस्टेंस 8/3 रख दिया और इसको सॉल्व किया तो आ गया XL1 L2/L1+L2, या 8/3 = XL1 L2/L2। अगर कॉमन ले लिया
तो यहां पर देखे जब ये L2 कॉमन लेगा तो ये वाला L2 नीचे आ जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। देखे यहाँ पर लिखा हुआ है तो 8/3 इक्वल टू X L1 अपान L1 प्लस L2 प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो R0 इक्वल टू X L1 प्लस X L2 है हमारा, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस जो है उसको रिंग का वो R0 कहा है। यहाँ पर देखिए कह रहा है ए रिंग इज मेड अप ऑफ ए वायर हैविंग रेजिस्टेंस R0 इक्वल टू 12 ओम। पूरा रिंग जो बनाया गया है तो जो वायर लिया गया था उसका रेजिस्टेंस 12 ओम था। ध्यान दीजिए कि जब ये रिंग नहीं बनी थी, छल्ला नहीं बना था, तब रेजिस्टेंस 12 ओम था। जब ये बना दिया गया तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8/3 ओम है। ध्यान दीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले 12 ओम था, ये चीज हमको ध्यान देना है। तो यहां पर देखिए पहले जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालें, जब ये रिंग नहीं बनाई गई थी, तो जब रिंग नहीं बनाएंगे तो सीधा लंबाई में वायर होगी, सीधा ऐसे लंबाई में वायर होगी। तो दो वायर अगर जैसे पहले हम ऐसे बना दें और यहाँ यहाँ जोड़ें तो ये दोनों, ये वाला ऊपर वाला अगर ये मान लें, नीचे वाला भी, तो दोनों समांतर में है। लेकिन जब ये इस तरह वायर रही होगी तो इसका 12 ओम रेजिस्टेंस है, तब ये दोनों भाग, अगर दो भाग माने ए और बी, तो ये सीरीज में थे। तो सीरीज में 12 ओम है तो सीरीज के लिए फार्मूला क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस R2। तो वो वाला लगाया, R1 हमारा XL1 है, R2 हमारा XL2 है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दिया। पहले इसको R0 बराबर R1 प्लस R2 लिखना चाहिए था, फिर ये लिखता तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता। तो ये 12 रखा, इसको सॉल्व किया तो ये XL2 L1 प्लस L2 आ गया 12 के बराबर। अब डिवाइड 1/2 वी गेट। अब पहले और दूसरे इक्वेशन से अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 8/3 / 12। अब ये वैल्यू रखेंगे पूरी और फिर ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा, ये 12 × 36 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 8/3 6 इक्वल टू L1 अपान L2 L1 प्लस L2 प्लस 1 L1 अपान L2 प्लस 1, ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। तो L1 प्लस L1 अपान L2 प्लस 1 का होल स्क्वायर 8/3 6 बराबर L1 प्लस L2 हो जाएगा, या इसको L1 अपान L2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको सिंपल करेंगे तो ये 2 से कटेगा या 9 से, तो आ जाएगा 2/9। इसको काटेंगे तो आ जाएगा L1/L2, लेट y बराबर L1 अपान L2 आ जाएगा y की वैल्यू। यहाँ पर मतलब इसको y मान लिया है पूरे को, तो ये y बराबर L1 अपान L2 आ जाएगा। मतलब L1 अपान L2 को y रखेंगे तो अगर हम इस फार्मूले में L1 अपान L2 की जगह y रख दें तो 2y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9y r 2y² + 2 + 4y हो जाएगा बराबर 9y। अब इसको सिंपल करेंगे तो हो जाएगा 2y² - 5y + 2। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बराबर 0 हो जाएगा। तो सॉल्विंग दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस द्विपदघात समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे B² 4AC वाला फार्मूला लगा करके, तो y बराबर 1/2 आ जाएगा, या R2 और L1 अपान L2 बराबर 1/2 आ जाएगा। तो हाफ आएगा या 2 आएगा और L1 अपान L2 बराबर 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 45 का D विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हमने पीछे कई बार आपको बताया है और क्वेश्चन भी करके देखा है, दिखाया है। तो ये डी विकल्प L1 अपान L2 इक्वल टू 1/2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सारे करते हैं। तो इस प्रकार से 45 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया। अब आगे के क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।